हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है। गाइस दोस्तों, आज मैं ग्रामर के अपने टॉपिक में आज आप लोगों के लिए एडजेक्टिव लेकर के आया हूँ। सो दोस्तों, आज हम लोग एडजेक्टिव और उसके पूरे टाइप्स को बेहतर तरीके से डील करेंगे। और दोस्तों, जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं नए वीडियोस स्पोकन के, ग्रामर के, टेंस के लेकर आ रहा हूँ, उनको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आज एडजेक्टिव के बारे में सीखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है और एडजेक्टिव का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज है। दोस्तों देखें, अगर हम एडजेक्टिव के डेफिनेशंस की बात करते हैं तो इसके दो डेफिनेशंस मैं लिखा हूँ, आप दोनों डेफिनेशंस कोई भी यूज कर सकते हो और दोनों आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखें एडजेक्टिव के पहले डेफिनेशन को, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। दोस्तों, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन का मतलब हुआ कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। दूसरा मैंने लिखा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि विशेषण वह शब्द है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा बतलाता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलता है। सो दोस्तों, अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसके माध्यम से आप बेहतर एडजेक्टिव को समझेंगे। दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन मैंने अपने वीडियो में पहले ही डील कर चुका है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नाउन और प्रोनाउन वाले चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का सेंटेंस में क्या यूज है। देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ यू आर ब्यूटीफुल, मैं कहूँ कि आप सुंदर हैं, तो भाई ये यू क्या है? यू कोई लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि आप सुंदर हो, तो यू यानी कि प्रोनाउन है, किसी लड़की यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। तो यू आर ब्यूटीफुल में ये आपकी विशेषता बतलाई जा रही है कि आप क्या हो, सुंदर हो, इसलिए यहां पर ब्यूटीफुल जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दोस्तों ब्यूटीफुल किसी स्त्री या ठीक है लड़कियों की विशेषता बतलाता कि वो सुंदर है, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। मैं दूसरा देखूं, द कैट इज बिग, दूसरा में है द कैट इज बिग। सो दोस्तों, द कैट इज बिग में ये बिग जो है ये बिल्ली की विशेषता बतला रहा है, इसलिए जो बिग होगा ना ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि कैट कैट भाई कैसी है, तो बिग है यानी कि बड़ी है, तो कैट यानी कि नाउन है दोस्तों, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बिग बतला रहा है, इसलिए बिग जो होगा एडजेक्टिव होगा। तीसरा मैं देखूं फ्रेंड्स, द फूड इज डिलीशियस, देखें भोजन स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट किसकी विशेषता बतला रहा है, फूड की, तो चूंकि अब यहां पर ये फूड जो है नाउन है और नाउन की विशेषता ये डिलीशियस बता रहा है, इसलिए डिलीशियस जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। चौथा देखो फ्रेंड्स, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो कलमे हैं, तो आई हैव टू पेन्स में ये जो टू बतला रहा है कि पेन की विशेषता बतला रहा है कि मैं दो कलमे हूं, यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बतला रहा है, यानी कि मेरे पास क्या है, तो दो कलमे हैं, तो ये टू जो होगा एडजेक्टिव होगा। पांचवें सेंटेंस में मैं देखूं फ्रेंड्स, दिस मार्कर इज ब्लैक, सॉरी फ्रेंड्स ब्लू, दिस मार्कर इज ब्लू, यह मार्कर ब्लू यानी कि नीला है, यानी कि ब्लू इस मार्कर की क्या है, विशेषता है, मार्कर आपका ये नाउन होगा और नाउन की विशेषता ये ब्लू बता रहा है कि मार्कर कैसा है भाई, तो ब्लू है, इसलिए ब्लू जो होगा गाइस एडजेक्टिव होगा। तीसरे वाले सेंटेंस, छठे वाले में देखें फ्रेंड्स, द अर्थ इज राउंड इन शेप, देखिए कह रहा है कि पृथ्वी आकृति में गोल है, तो ये राउंड जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, अर्थ की विशेषता, अर्थ जो है कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स प्लेनेट है, अर्थ की विशेषता ये राउंड बतला रहा है कि अर्थ कैसी है, तो गोल है, तो इसलिए ये जो राउंड होगा वो एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों, आपको आशा करते हैं कि डेफिनेशंस और उसके यूज वाक्य में कैसे हो रहे हैं आप बेहतर तरीके से देखे हैं। फिर अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब, विशेषण का प्रयोग क्या बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या चीजें दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, तो ध्यान देखें फ्रेंड, जैसे एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की टेस्ट बतलाता है, टेस्ट में जैसे स्वीट, यमी, शार, शाल्टी, तो दोस्तों टेस्ट में जैसे मैं कहूं कि द मैंगो इज स्वीट, तो द मैंगो इज स्वीट में स्वीट जो है मैंगो की विशेषता बतला रहा है, इसलिए स्वीट जो होगा एडजेक्टिव होगा। टच में फ्रेंड, जैसे मैं बोलूं शार्प, सॉफ्ट, सिल्की, ईटीसी, मैं बोलूं द नाइफ इज शार्प, चाकू धारदार है, तो शार्प जो है नाइफ की विशेषता बतला रहा है, इसलिए शार्प जो होगा
वो आपका बेटा एडजेक्टिव होगा दोस्तों। राउंड में सॉरी साउंड में जैसे साइलेंट नॉइजी ईटीसी, जैसे मैं बोलूं यू आर साइलेंट, आप चुप हो, तो आपकी विशेषता साइलेंट बतला रहा है, इसलिए साइलेंट जो होगा एडजेक्टिव होगा। फिर क्या कलर बतला है, कलर की विशेषता बतला रहता है, कलर की विशेषता बतलाने के प्रयोग किया जाता है, जैसे रेड ग्रीन पिंक येलो एटसेट्रा। जैसे मैं बोलूं द मैंगो इज येलो, आम पीला है, तो पीला जो है मैंगो की विशेषता बता रहा है, इसलिए येलो होगा एडजेक्टिव फ्रेंड्स। फिर दूसरा देखें फ्रेंड्स, टाइम को भी डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेगुलर क्विक ओल्ड इटीसी। मैं बोलूं द हाउस इज ओल्ड, घर पुराना है, तो ओल्ड जो है हाउस की विशेषता बता रहा है, इसलिए ओल्ड जो होगा एडजेक्टिव होगा गाइस। अब देखिए साइज, साइज को भी रिप्रेजेंट करता है, साइज की भी विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, जैसे शॉर्ट टॉल बिग स्मॉल। मैं कहूं द ट्री इज वेरी टॉल, पेड़ बहुत लंबा है, तो टॉल जो है ट्री की विशेषता बतला रहा है कि लंबा है, तो टॉल शॉर्ट बिग स्मॉल ये सब जो होंगे एडजेक्टिव होंगे, ये साइज रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं फ्रेंड्स। अगला देखें दोस्तों शेप, एडजेक्टिव जो है शेप में राउंड स्क्वायर फ्लैट ईटीसी। जैसे मैंने अभी ये वाक्य लिया द अर्थ इज राउंड इन कलर इन शेप, तो राउंड जो होगा वो भी एडजेक्टिव होगा, तो शेप को भी डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। फिर उस तरह से बेटा इमोशन, इमोशन आते हैं, इमोशन में जैसे हैप्पी शाई स्पॉटलेस सैड ईटीसी। जैसे मैं बोलूं यू आर सैड, तुम दुखी हो, तो सैड का मतलब उदास या दुखी हो गया, तो सैड किसकी विशेषता बता रहा है, यू की, तो इसलिए सैड भी जो होगा वो एडजेक्टिव होगा गाइस। फिर सिचुएशन स्थिति को भी बतलाता है एडजेक्टिव, जैसे हार्ड सिंपल ट्रिकी बैड। जैसे मैं बोलूं द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, तो द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड मतलब प्रश्न बड़ा कठिन है, तो हार्ड जो है उस प्रश्न की विशेषता बता रहा है, इसलिए हार्ड जो होगा एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों सिचुएशन देखे, अमाउंट देखे फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का प्रयोग अमाउंट बतलाने के लिए भी होता है, जैसे वन टेन सम अ लिटिल एटसेट्रा। मैं बोलूं आई हैव टू मार्कर्स, आई हैव टू मार्कर्स, तो यहां पर मार्कर्स हैं कितने हैं, टू हैं, तो ये टू जो होगा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये मार्कर का अमाउंट बतला रहा है, इसलिए टू। यू हैव फाइव कार्स, तुम्हारे पास पांच कार हैं, तो फाइव जो होगा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहां पर कार की विशेषता यानी कि कार के अमाउंट को बतला रहा है, इसलिए फाइव जो होगा एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं कि एडजेक्टिव और उसके एग्जांपल्स बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, हम लोग दोस्तों देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों देयर आर एट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कुल आठ प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने एक एक करके लिख दिए गए हैं। दोस्तों पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, पांचवा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, दोस्तों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, और सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, और आठवां है पसेसिव एडजेक्टिव, दोस्तों पसेसिव एडजेक्टिव को अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। सो दोस्तों अब हम सीखेंगे एक एक करके कि प्रत्येक एडजेक्टिव होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों वह विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताए, गुण स्थिति दशा इत्यादि के बारे में बताए, जैसे मैं बोलूं यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, तो दोस्तों यू आर ब्रेव में ब्रेव जो है वो तुम्हारी विशेषता बता रहा है, ब्रेव मतलब बहादुर, कह रहा है कि तुम बहादुर हो, यानी कि यू यानी कि प्रोनाउन यू की विशेषता ब्रेव बता रहा है, इसलिए ब्रेव जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। मैं दोस्तों बोलूं आई एम अ टॉल मैन, मैं एक लंबा आदमी हूं, तो टॉल मेरी विशेषता है, इसलिए टॉल जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। मैं बोलूं यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
तुम एक बहुत सुंदर लड़की हो, तो ब्यूटीफुल तुम्हारी विशेषता बतला रहा है, तुम्हारे गुण के बारे में बतला रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि आप क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा परिमाण या मात्रा। सो दोस्तों द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर अ प्रोनाउन, यानी कि ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के बारे में बताता है। जैसे मैं बोलूं आई हैव सम फूड टू ईट, मेरे पास कुछ खाना है खाने के लिए, तो सम जो है अमाउंट बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो यहां पर होगा सम होगा। मैं बोलूं देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, कक्षा में कुछ ही लड़के थे। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास मतलब कक्षा में कुछ ही लड़के थे, तो कुछ यानी कि मात्रा बतला रहा है, इसलिए फ्रेंड्स जो होगा ऑफ फ्यू जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। मैं बोलूंगा प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी पीने के लिए दीजिए। तो यहां पर अ लिटिल मात्रा बता रहा है कि कुछ मुझे, कृपया मुझे कुछ पानी पीने के लिए दीजिए, इसलिए अ लिटिल जो होगा गाइस वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं दोनों एडजेक्टिव बेहतर तरीके से समझे होंगे। फिर हम आते हैं तीसरा दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोस्तों द वर्ड विच टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर पोजिशन आर प्लेस ऑफ अ नाउन आर अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब ऐसा विशेषण जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट संख्या पोजिशन या स्थान को बतलाते हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं आई हैव थ्री पेन्स, मेरे पास तीन कलमे हैं, तो यहां पर थ्री जो है एग्जैक्ट संख्या बता रहा है, इसलिए थ्री जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। मैं फ्रेंड्स बोलूं आई हैव 20 हाउसेस, मेरे पास कुल 20 घर हैं, तो 20 जो होगा एग्जैक्ट संख्या बता रहा है, इसलिए 20 जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। मैं बोलूं सिमरन गॉट द फर्स्ट रैंक इन हर क्लास, सिमरन अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाई, तो फर्स्ट जो है पोजीशन बतला रहा है, इसलिए फर्स्ट जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं तीसरा चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों द वर्ड विच डिमोन्स्ट्रेट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों मैं ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने का कार्य करे उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मैं बोलूं दिस पेन इज फाइन, यह कलम अच्छी है, तो दिस पेन, देखिए कह रहा कि दिस पेन, ये इशारा किया जा रहा है कि यह कलम अच्छी है, तो दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। मैं बोलूं दोज बॉयज आर ब्रेव, वे सभी लड़के बहादुर हैं, तो दोज जो है इशारा कर रहा है कि दोज बॉयज आर ब्रेव, यानी कि वे सभी लड़के बहादुर हैं, तो दोज जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दिस दैट दिस दोज सच, ये मुख्य रूप से आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं। दोस्तों अब थोड़ा समय आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस थोड़ा सा अंतर है, बस आपको समझना है, जब दिस दैट दिस दोज या सच के बाद कोई नाउन आएगा तब इस स्थिति में इन सभी वर्ड को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि दिस मैन इज टॉल, यह आदमी लंबा है, दिस मैन, तो देखिए दिस के बाद यहां पर मैन आया, तो दिस मैन इज टॉल में दिस जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दिस के बाद यहां पर मैन नाउन है। और मैं जब दिस दैट दिस दोज के बाद दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो समझ जाइएगा कि यहां पर दिस दैट दिस दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माय पेन, तो देखिए दिस के बाद इज आया, तो दिस इज माई पेन में दिस जो होगा यह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, न कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों द वर्ड विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मैं बोलूं विच पेन डू यू लाइक द मोस्ट, विच पेन डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी कलम तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो विच के बाद देखें फ्रेंड्स यहां भी पेन आया जो नाउन है, तो विच आपका
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। मैं बोलूं व्हाट प्लान हैव यू मेड, तुमने क्या योजना बनाया है, तो व्हाट के बाद प्लान आया, नाउन आया, तो व्हाट यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों कहेंगे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो भाई दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जब व्हाई व्हाट जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है ना, इनके बाद यदि कोई नाउन आएगा तब इस स्थिति में इन्हें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और जब इन्हीं के बाद कोई वर्ब आएगा तब इन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दो एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, जैसे मैं बोलूं व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रोए, तो व्हाई आर यू वीपिंग में व्हाई के बाद आर आया है इसलिए व्हाई को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब मैं बोलूं विच पेन डू यू लाइक द मोस्ट, तो विच के बाद अब पेन आया है जो नाउन है इसलिए विच जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम लोग विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स द वर्ड लाइक ईच एवरी आइदर नाइदर एटसेट्रा इज नोन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं बोलूं यानी कि मैं बोलूं जैसे ईच पेन इज फाइन, प्रत्येक कलम अच्छी है, तो ईच के बाद यहां पर पेन आया। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर कोई नाउन आएगा तब हम इस स्थिति में इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और वर्ब आए या कोई अनदर प्रीपोजिशन आए तो उस स्थिति में इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, और जब नाउन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समझ में आया होगा। जैसे मैंने बोला कि ईच पेन इज फाइन, तो ईच पेन इज फाइन में ईच जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। दोस्तों प्रॉपर एडजेक्टिव आर द वर्ड विच जनरेट्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन। दोस्तों ध्यान से देखें, यानी कि ऐसा विशेषण जो प्रॉपर नाउन से उत्पन्न हुआ हो उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। मैं बोलूं आई एम इंडियन, तो मैं भारतीय हूं, तो इंडियन यहां पर इंडिया शब्द से बना और इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है इसलिए इंडियन जो होगा ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। फिर उसके बाद मैं बोलूं यू आर अमेरिकन, तो तुम अमेरिकन हो, तो भाई अमेरिकन यहां पर जो है अमेरिका शब्द से बना है जो प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर अमेरिकन जो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में आते हैं। दोस्तों माई हिज हर आवर योर एटसेट्रा इज नोन एज पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये सभी वर्ड ऐसे होते हैं जो अधिकार को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई एम डूइंग माई वर्क, देखिए आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी कि दिखा रहा अधिकार कि मैं कर रहा हूं काम, लेकिन कौन सा काम कर रहा हूं, अपना, तो यहां पर माई जो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। मैं बोलूं यू आर कॉलिंग योर फादर, तुम अपने पिताजी को बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग योर फादर, तो यू आर कॉलिंग योर मतलब तुम अपने पिता को बुला रहे हो, यहां पर अधिकार दिखाया जा रहा है कि आप बुला रहे हो लेकिन किसको बुला रहे हो, अपने पिता को, तो योर फादर, यानी कि योर जो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को बेहतर तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और यदि कोई बच्चा नया होगा मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा उसका आपको इम्पोर्टेंस चैप्टर्स मिलते रहेंगे, बेहतर तरीके से आप सीखते रहेंगे, और आप वीडियो अच्छे लगे होंगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।